में दूसरे देशों के इमाम काम नहीं कर पाएंगे। दरअसल फ्रांस की सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इमैनुअल मैक्रो सरकार ने यह नया कानून लागू किया है। इसके तहत अब दूसरे देशों से इमाम फ्रांस में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो पहले से इमाम वहां पर मौजूद है उनका क्या? या तो उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा या फिर उनको कोई छोटी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है मस्जिदों के लिए। दरअसल फ्रांस में जो आतंकी हमले हुए हैं कुछ सालों में उसको मुस्लिम कट्टरपंथ से जोड़कर देखा जा रहा है। 2015 में जो आतंकी हमला फ्रांस में हुआ था इसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आईएसआईएस का नाम सामने आया था और ये दावा किया गया था कि इसमें फ्रेंच मूल के 1900 से ज्यादा लोग भर्ती थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया। तो किस तरीके से इमामों ने ही इनको रेडिकलाइज किया और इतने बड़े आतंकी हमले को इन लोगों ने अंजाम दिया। ये जो उस वक्त हुआ यानी कि 2015 से लेकर के अभी तक जिसमें कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं ताकि एक तरीके से उनका दखल कम किया जा सके, इमामों का दखल कम किया जा सके और मुस्लिम कट्टरपंथी जो सोच है उसको रोका जा सके। पिछले साल हमने देखा कि सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया गया। हालांकि इसका विरोध भी वहां पर हुआ कि जो मुस्लिम विचारधारा है, जो धर्म की पहचान है, उसको कम करने की कोशिश हो रही है और इस तरीके से वहां पर विरोध हुआ। विरोध तो इस फैसले का भी हो रहा है कि जो इमामों की एंट्री पर बैन है। लेकिन देखा कि किस तरीके से जो इमाम है दूसरे देशों से, खासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बात करें अगर हम बात करें मोरक्को की, बात करें हम बात करें क्रोएशिया की, दरअसल ये वो देश है जहाँ के शरणार्थी 2017 से लेकर के 2021 तक फ्रांस में बसे हैं और इनकी संख्या 7 लाख तक है। यानी कि फ्रांस ने इन देशों के शरणार्थियों को जगह दी है। इन देशों के जो शरणार्थी फ्रांस में गए उम्मीद लेकर के फ्रांस सरकार ने निराश नहीं किया, लेकिन अब संख्या कितनी सीमित कर दी गई है, 75,000। जी हाँ, जो शरणार्थी 7 लाख तक वहां पर पहुंचे अब वो सीमित हो गए हैं कितने, 75,000 तक। तो ये जो एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं ये इस वक्त सबसे अहम हो जाते हैं, क्योंकि हमने जिक्र किया 2015 के आतंकी हमले का जिसमें 500 लोग घायल भी हुए थे, 130 लोग मारे गए थे और आतंकी संगठन आईएसआईएस में फ्रेंच मूल के करीब 1910 लोग इसमें शामिल हुए थे। अब आपको बताएं कि फ्रांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज डिपार्टमेंट के मुताबिक शहरी इलाकों में मुस्लिमों की आबादी करीब 10% है। पश्चिमी यूरोप में मुस्लिमों की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फ्रांस में ही है। अब जनसंख्या तो है, ऐसे में जो मस्जिदों में जाकर के मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको धर्म के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म की आड़ में गलत गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं, गलत कामों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में फ्रांस सरकार ने, इमैनुअल मैक्रो सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इमाम अब फ्रांस में काम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि इमैनुअल मैक्रो ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी जनवरी 2020 में दी थी कि वो ऐसा फैसला लेने वाले हैं।